हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, राजस्थान की ज्योग्राफी की सीरीज हमारी चल रही है, आप जानते ही हैं। और दोस्तों, ये मेरा पार्ट 8 चल रहा है, 7 पार्ट मेरे आ चुके थे। 8वें पार्ट में हम लोग राजस्थान के जो पर्यटन स्थल है, टूरिस्ट प्लेसेस, उसमें डिस्कस कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, जो पार्ट 8 का पहला जो सब पार्ट था, उसमें हम राजस्थान के किले पढ़ाए थे, और ये दूसरा पार्ट है उसका जिसमें हम राजस्थान के किले पढ़ाएंगे, जो बचे हुए किले हैं। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों ये जो टॉपिक है, ये आपका जितने भी आरपीएससी के एग्जामिनेशन होते हैं, आरएएस, एलडीसी, स्टेनो और जो पटवारी निकला है, उसमें साफ साफ उन सब एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों ये काफ़ी आपके लिए मददगार रहेगा। ओके फिर बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से आपको पूरा ज्योग्राफी मैंने आपको बताया है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों पूरा ज्योग्राफी आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पार्ट 8 क्लॉज 2। तो फ्रेंड्स, राजस्थान के पर्यटन स्थल में हम लोग राजस्थान के किले पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग राजस्थान के महल पढ़ेंगे, संग्रहालय पढ़ेंगे, धार्मिक स्थल पढ़ेंगे, और जो अन्य महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे कि आपका कुछ हवेलियां हैं वगैरह पढ़ेंगे, और जो वनजीव और झीलें हैं, ये भी पर्यटन स्थल में आते हैं, जो कि हमने आपको अलग वीडियो में आराम से पढ़ा चुके हैं। राजस्थान के वनजीव और झीलें आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो राजस्थान के किले को दोस्तों ये पार्ट 2 है। सबसे पहले हम बढ़ते हैं मेहरानगढ़ किला। राजस्थान के जोधपुर में स्थित मेहरानगढ़ भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। 1959 में राव जोधा द्वारा दोस्तों ये मेहरानगढ़ किला बनाया गया था। किले के बाईं ओर कीरत सिंह सोडा की छतरी है, जो मेहरानगढ़ की रक्षा करते हुए मौके पर गिर गया था। बेसिकली दोस्तों, एक जो किला है वहाँ के बाईं ओर पर कीरत सिंह सोडा की छतरी है, जो उस समय मेहरानगढ़ की रक्षा करते हुए मारे गए थे। इसके 7 द्वार हैं, जिसमें जयपोल, जिसे विजयपुर और बीकानेर सेनाओं पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में महाराजा मानसिंह ने बनवाया था। दोस्तों, इसके 7 द्वार हैं, जिसमें से एक है जयपोल, जिसको विजय द्वार भी कहते हैं। जब महाराजा मानसिंह जयपुर और बीकानेर की सेनाओं से जीते थे, तो उन्होंने ये जो है दरवाजे को बनवाया था। यहाँ एक फोटा पोल द्वार भी है, जिसका अर्थ विजय द्वार भी है, जो मुगलों पर महाराजा अजीत सिंह की विजय का प्रतीक है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक फोटा पोल भी स्थित है, इसे हम कहते हैं मेहरानगढ़ किला। दोस्तों, ये है मैं आपको मेहरानगढ़ किला। अब आता है नागौर का किला। नागौर का किला राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है। कहा जाता है कि नागौर किले को शुरू में 2 शताब्दी में नाग वंश के शासक ने बनवाया था, और तब 12 शताब्दी की शुरुआत में इसका पूरा निर्माण किया गया। ओके फ्रेंड्स, उत्तर भारत के पहले मुगल गढ़ों में से एक होने के नाते यह राजपूत मुगल स्थापत्य शैली का महान उदाहरण है। ओके फ्रेंड्स, उत्तर भारत के पहले मुगल गढ़ों में से ही दोस्तों ये एक है नागौर। 2007 में किले में प्रमुख जो है दोस्तों, इसमें रिनोवेशन हुआ, पुनर्निर्माण हुए इसमें हुए थे। तो फ्रेंड्स, ये है आपका नागौर का किला, ये है दोस्तों नागौर का किला। अब आता है नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ किला अरावली पहाड़ियों के किनारे पर स्थित है, जो जयपुर शहर से दिखता है। आमेर किला और जयगढ़ किला के साथ नाहरगढ़ किला ने एक बार शहर के लिए एक मजबूत रक्षा रिंग बनाई थी। दोस्तों, ये पूरा आमेर था उस समय, उसकी रक्षा के लिए दोस्तों ये जो है नाहरगढ़ किला था। किले का नाम मूल रूप से सुदर्शनगढ़ था, लेकिन इसे नाहरगढ़ के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है बाघों का निवास। मुख्य रूप से महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा 1740 में दोस्तों ये निर्मित था, जो जयपुर के राजा थे। तो ये है दोस्तों नाहरगढ़ का किला। ओके फ्रेंड्स, अब आता है नाहरगढ़ किला 12। दोस्तों, एक 12 में भी नाहरगढ़ का किला है। लाल पत्थर से निर्मित यह प्रभावशाली किला 12 से लगभग 73 किलोमीटर दूर स्थित है। मुगल वास्तुकला के आधार पर निर्मित यह किला एक शानदार संरचना है, तथा अपनी स्टाइल एवं स्वरूप के कारण उत्कृष्ट है। तो दोस्तों, ये है आपका नाहरगढ़ किला, जो कि 12 में भी स्थित है। अब आता है दोस्तों निमराना फोर्ट। यह ऐतिहासिक किला यदुवंशियों द्वारा बनाया गया था, जो कि भगवान कृष्ण के वंशज माने जाते हैं। यह किला राजपूतों से मुगल और फिर जाटों से 1775 में वापस राजपूतों ने जीता था। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, राजपूतों से मुगल और फिर जाटों से 1775 में वापस राजपूतों ने जीता था। आज यह एक हेरिटेज होटल के रूप में पूरे भारत में प्रसिद्ध है, और तथा होटल उद्योग के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा नाम रखता है। दोस्तों, ये है आपका निमराना फोर्ट, जो कि इसमें एक होटल है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, जो ये निमराना फोर्ट है, ये है कहाँ पर? अलवर शहर में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? ये अलवर शहर में स्थित है। ये है दोस्तों निमराना फोर्ट। अब आता है रणथंभौर किला। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट किला है रणथंभौर किला। रणथंभौर नेशनल पार्क के भीतर और सवाई माधोपुर शहर के पास स्थित है। 13वीं शताब्दी तक यह किला चमनस चौहानों के अधीन था।
जब दिल्ली सल्तनत ने इस पर कब्जा कर लिया था। तो ओके फ्रेंड, 13वीं शताब्दी में पहले यह चौहान के पास था, उसके बाद दिल्ली सल्तनत ने इस पर कब्जा कर लिया था। 2013 में विश्व धरोहर समिति की 37वीं सत्र में राजस्थान के 5 अन्य किलों के साथ रणथंभौर किले को राजस्थान के पहाड़ी पर्वतों के तहत यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के किलों में 6 जो किले हैं, पहाड़ी किले हैं, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं। मैंने आपको लिस्ट जो है पहले पार्ट में मैंने आपको बताई थी। इसका निर्माण चौहान राजा रणथंभौर देव द्वारा 944 ईस्वी में किया गया था। किले के तीन तरफ पहाड़ों की प्राकृति खाई बनी हुई है जो इसे मजबूत और अजय बनाती है। खानवा युद्ध में घायल राणा संगा को भी इलाज के लिए इसी दुर्ग में लाया गया था। 1301 में दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर किले को घेर लिया और विजय प्राप्त की। हमीर देवा की रानियां, बेटियां और अन्य महिला रिश्तेदारों ने इस जौहर में आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों जो अलाउद्दीन ने जब खिलजी ने जो हमला बोला था तो उससे क्या होता है, जो हमीर उसमें थे वहाँ के राजा, उनकी रानियाँ बेटियाँ और महिलाओं ने वहाँ पर जौहर कर लिया था। जौहर में क्या है, मैं आपको बताया था कि उन्होंने अपने आप को अपनी इज्जत बचाने के लिए दोस्तों उन्होंने अपने आप को आग में जो है डाल लिया था ताकि उनकी इज्जत बच सके। रणथंभौर में जौहर का वर्णन अलाउद्दीन के दरबारी अमीर खुसरो द्वारा किया गया है जो इसे फारसी भाषा के पाठ में वर्णित पहला जौहर बनाता है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, पहला जौहर है जो कि फारसी भाषा में। यह दोस्तों रणथंभौर किला। अब आता है रतनगढ़ किला। आगरा बीकानेर मार्ग पर बना रतनगढ़ किला सूरज सिंह द्वारा बनवाया गया था तथा उसके पुत्र रतन सिंह के नाम पर इसका नाम रखा गया था। ओके फ्रेंड्स, यह किला देखिए, एक मिनट, में दिल्ली की शेरशाह सूरी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था और अपने नाम पर इसका नाम शेरगढ़ रखा था। यह किला धौलपुर के दक्षिण में स्थित है तथा इसमें बड़ी बारीक वास्तु शैली से सुसज्जित नक्काशदार छवियां, हिंदू देवी देवताओं तथा जैन मूर्तियां आकर्षण का केंद्र है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये है शेरगढ़ किला धौलपुर। ये है फ्रेंड्स, अब है तारागढ़ फोर्ट जो कि अजमेर में स्थित है। तारागढ़ किला या सितारा किला भारतीय राज्य राजस्थान के अजमेर शहर में एक संरचना है। यह 1113 एडी में एक खड़ी पहाड़ी पर बनाया गया था और राजा अजयपाल चौहान के शासन में बनाया गया था। किले के तीन प्रवेश द्वार हैं जिन्हें लक्ष्मी पोल, फूटा दरवाजा और गागुड़ी के फाटक नाम से जाना जाता है। किले में पानी के भंडार हैं। इन जलाशयों को संकट के समय निवासियों को पानी स्टोर करने और आपूर्ति करने के लिए बनाया गया था। रानी महल किला परिसर के भीतर एक छोटा महल है जिसे शासकों की पत्नियों के लिए बनाया गया था। यह किला हजरत मीरन सैयद हुसैन खंसवार, जो कि जिनको मीरन साहब भी कहते हैं, कि दरगाह के लिए भी विख्यात है, जिसने एक राजपूत हमले के दौरान 1202 एडी में अपना जीवन खो दिया था। तो उनकी दोस्तों यहाँ पर जो है दरगाह भी बनी हुई है। यह है दोस्तों तारागढ़ फोर्ट। अब आता है तीमनगढ़ किला। करौली से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर तीमनपाल का किला स्थित है। 11वीं सदी में निर्मित इस किले पर कई हमले हुए हैं जिससे इसकी सर्वाधिक संरचना नष्ट हो गई है। उसके पश्चात 1058 ईस्वी में राजा तिमनपाल ने इस किले को पुनर्निर्माण के साथ ही इसकी वास्तुकला तथा भित्तिचित्र द्वारा इसे एक नया रूप दिया था। अंत में इसे अकबर ने जीत लिया और अपने मंसूबेदार को उपहार के रूप में दोस्तों इसे भेंट कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये है तीमनगढ़ का किला जो कि करौली में स्थित है। दोस्तों किस जिले में है, दोस्तों ये ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है किशनगढ़ किला। यह अजमेर जिले में स्थित है। इसका सबसे बड़ा भवन दरबार हाल है तथा यही वह स्थान है जहां राजा अपनी प्रतिदिन की शासकीय सुबह बुलाया करते थे। और जब हम किले के अंदर स्थित सर्वाधिक आकर्षण महल की बात करते हैं तो वह फूल महल, जो कि राठौर वंश के शासकों के वैभव को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों इसी किशनगढ़ किला के अंदर फूल महल भी स्थित है। किले के साथ साथ यहाँ पर कुछ झीलें हैं जैसे कि गुंडू ताव झील और हमीर सागर, जो कि यहाँ के बड़े पिकनिक स्थल भी हैं। दोस्तों ये है किशनगढ़ किला और ये है दोस्तों इसकी झील। अब आता है भैंसरोगढ़ फोर्ट। यह भव आकर्षक किला 200 फीट ऊंची सपाट पहाड़ी की चोटी पर चंबल और ब्राह्मणी नदियों से घिरा हुआ है। इस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टॉड ने कहा था, यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह भैंसरोगढ़ को ही चुनेंगे। यह दोस्तों चित्तौड़गढ़ में स्थित है। उल्लेखनीय इतिहास के अनुसार इसे सलूम्बर के रावत केसरी सिंह के पुत्र रावत लाल सिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। 1783 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा यह किला एक जागीर के रूप में लाल सिंह को दे दिया गया था।
कई वंशों के अधीन रहने के बाद ऐसी मान्यता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस किले पर हमला किया था तथा यहाँ के सभी पुराने मंदिर और इमारतों को नष्ट कर दिया था। वर्तमान में इस किले को शाही परिवार द्वारा एक शानदार हेरिटेज होटल के रूप में संचालित किया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था जो कि आपके बचे हुए किले थे वो इसमें डिस्कस हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे राजस्थान में जितने महल हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही करते करते आपका पूरा ज्योग्राफी आपका कंप्लीट कराएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।